जी दोस्तों, ये बस एक्सीडेंट करके भागा हुआ था गाजीबाग साइड से, और इसको रैली फूलपुर प्रयागराज में पकड़ा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो कि प्रतापगढ़ जिले के पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है इसको। अब इसको ले जाएंगे अपने थाने तरफ। आप लोग देख सकते हैं हमारे आगे समरजीत मौर्या भाई हैं, जो बाइक से चल रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। आप लोग देख सकते हैं जी साथियों, आप देख सकते हैं आगे बस जा रहा है, जो कि पीछे लिखा है विधाता, और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही है। हमारे आगे आप लोग देख सकते हैं मारुति के आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, जो कि ये बस जो है काफ़ी देर से निकला हुआ था, और इसको पुलिस प्रशासन ने पकड़ने की पूरी कोशिश किया, और आखिरकार पुलिस प्रशासन ने गाड़ी पकड़ लिया। और ये गाजीबाग साइड से आ रहा था प्रतापगढ़ ज़िले से, और बस को पकड़ा गया है रैनी फूलपुर प्रयागराज में। साथियों आप लोग देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी यहाँ पे है, और आगे बस की गाड़ी है। आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो माध्यम से कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं ये देखने के लिए कि इनके साथ क्या होगा। जी साथियों आप लोग देख सकते हैं हम इस टाइम डॉक्टर के एल आईटीआई कॉलेज डिग्री कॉलेज पास में पहुंचने वाले हैं। जी साथियों, सामने आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया हुआ है, और काफ़ी पुलिस प्रशासन आ गया, बस पकड़ा गया है जो कि एक्सीडेंट करके निकला हुआ था। जी साथियों, जो है कि रानीगंज से बस वाला एक्सीडेंट करके निकला था रानीगंज थाना, और यहाँ पे बहाड़िया थाना के लोग आ गए प्रशासन, और बस को ले जा रहे हैं रानीगंज में, जो कि विधान गाड़ी सुबह है।